यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर मुझे आपके बीच में वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया कि अलीशा का पास्टर नहीं होने के कारण वो आप सब जानते हैं वो बिहार और नेपाल के सरकाई के लिए और जिम्स का मीटिंग के लेकर के वो गए थे और इसके अलावा वहाँ से सब जगह में जाके सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने उनको इसके अलावा लोगों से मिलने विश्वासियों से मिलने के लिए प्रभु एक मौका दिया है उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आप सबके प्रार्थना के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज का विषय अक्सर मेरे प्रार्थना हमेशा कुछ लोगों जानते हैं कि मैं जब प्रचार करती हूँ कि एक प्रश्न से ही मैं शुरू करती हूँ। जो मेरा प्रचार आप लोग सुनने वाले तो आप जानते हैं कि एक प्रश्न हमेशा मेरे अंदर एक प्रश्न से ही शुरू करके कि इसके लिए क्या उत्तर है ऐसे करके हम आज आप लोगों से ही पूछेंगे और आप ही लोग उत्तर इसको देना पड़ेगा। वो मेरा प्रश्न यही है और मेरा मुद्दा भी यही है, क्या आप यीशु के साथ है? आर यू विद जीसस? क्या आप यीशु के साथ है? आर यू विद जीसस? आप कैसे अजीब से पूछ रहे हैं कि मैं तो 10 साल से मैं बचपन से ही मसीह है, मैं बहुत छोटा उम्र से यीशु मसीह को जान गए, मैं बपतिस्मा ले लिया हूँ, मैं मेरे घर के लोग सबको ही ये है, मेरे घर मेरे पापा सेवक है, मेरी मम्मी भी सेवक है, तो हम लोग भी मैंने हमारे अंदर यही तो होगा कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु के साथ हूँ, ऐसे करके सबको यही जवाब हम दे सकते हैं। लेकिन बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जरूर वो लोग यीशु के साथ साथ चलने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल चेले लोगों को हम लोग ले सकते हैं, वे यीशु के साथ ही थे, यीशु के साथ जहां कहीं भी यीशु गए यीशु का साथ थे, यीशु का साथ सेवकाई किए। फिर वे जब समय आया, समय उनके साथ जब ऐसा समस्या आने का तब पता चला क्या वे यीशु के साथ है या किसके साथ है करके उसी समय पता चला। अभी हमारा बारे में यदि हमारा बारे में हम समझेंगे क्या हम यीशु के साथ है, हाँ मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपवास करने वाली हूँ, मैं तो खूब सेवकाई करने वाली हूँ, मैं तो खूब प्रभु का नाम लेने वाली हूँ, ऐसा मैं एकदम प्रभु के नाम के लिए एकदम मैं ऐसा ढीठ रहते हैं, ऐसा हमारा अंदर जवाब है। लेकिन कहीं हम यीशु के साथ रहते हुए हमारे अनजान में कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारा अंदर छुपा है कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। हालेलुया, कि हमें जानना चाहिए बहुत सारे बातें। मैं आप लोगों से एक दो तीन बातों को आप लोगों को बता सकते हैं कि बाद में आप अपने आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ मैं यीशु से दूर हूँ, किधर किधर मैं यीशु के साथ है नहीं है करके आप अपना समझ सकते हैं। एक व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति क्या की नौजवान क्या किया, बहुत बड़ा अमीर था वो, एक दिन यीशु मसीह के पास आया। हम सब जानते हो कहानी, मरकुस 10:17-22 तक है। मरकुस 10:17-22 वचन तक पढ़ेंगे। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो अगर आपको तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वो बहुत धनी था। इनके मन में ये अमीर, वचन में ऐसा लिखा है, वो अमीर एक जवान है, वो बहुत बड़ा धनवान था, वो बहुत पैसा वाला था, उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी,
जिसके कारण वो जरूर उसके अंदर देखे, इसके बारे में लिखा है, उसने उनके अंदर एक लालसा था, क्या अनंत जीवन पाना है। जैसे हम लोग सबको चाहते हैं ना, हम लोग क्यों मसीह जीवन जी रहे हैं, हम क्यों ऐसा दिन जी रहे हैं, कि हमें अनंत जीवन चाहिए, है कि नहीं। कि यहाँ पर देखते हैं उसे अनंत जीवन की लालसा थी, उनके अंदर क्या थी, एक अनंत जीवन की लालसा थी। और इसके अलावा यीशु के प्रति उनका बहुत सम्मान था। क्या है ये व्यक्ति के अंदर? यीशु के प्रति सम्मान था, जैसे हम लोग यीशु मसीह से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, है ना, वैसा इनका अंदर था। और यहाँ हम देखते हैं वो घुटने में होकर के, इतना सुंदर से लिखा है, वो घुटने में होकर के यीशु से पूछता है, हे प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या कर। देखिए इतना उसके अंदर भय है और उनके अंदर एक आदर है, घुटने में होकर के प्रभु से, यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। और इसके अलावा सारे आज्ञाओं को मानने वाला, वो कहता है ना, सब आज्ञाओं को मैं मानता हूँ। इसका मतलब वो तो मसीह है, वो तो प्रभु यीशु मसीह का साथ है कि नहीं। तो इसका मतलब हम लोग भी आज्ञाओं को मानते हैं, हमारा अंदर भी डर भाई है, यीशु मसीह से डरते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको आदर करते हैं, और हमें इस अविषय इस पर हम लोग इंतजार करते हैं, अनंत जीवन मुझे मिलना है। वो लालसा है ना, लालसा है ना हमारा अंदर, अनंत जीवन हमें मिलना है। इसके अंदर भी था, लेकिन एक बात की कमी थी, वो क्या है, उनके अंदर धन दौलत छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए वो बहुत कठिन था। धन एक ऐसा चीज था उसको यीशु मसीह के साथ, जैसे मैंने कहा था, मतलब पूछे है ना, आर यू विद जीसस, क्या आप यीशु के साथ है। जरूरी जवान सारे नियमों को पालन करने वाला था, यीशु से प्रेम करने वाला था, यीशु को आदर करने वाला था, लेकिन एक बात उनके अंदर ये कमी थी, वो धन के प्रति उसको बहुत प्रेम था, जिसके चलते उसका मुंह में एक दुख आ गया। यीशु ने बोला कि मेरे पीछे सारे धन को बेच दो। जब उन्होंने कहा कि मैं बहुत आज्ञाओं को मानते, अच्छा बहुत अच्छा विश्वासी है, तब एक काम करो, जा करके तुम्हारा धन दौलत जो कुछ है उसको क्या करना, कंगालों को बेच के दे दो, बांट दो, तुम तब मेरे पीछे आ। लेकिन उसके पास वो मन नहीं था कि उनका धन को छोड़ने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा ना, जहां धन है वहां रहा, वहां हमारा मन भी लगा रहेगा। इसके मन में जरूर यीशु के साथ था, लेकिन इसका मन कहां लगा था, धन के साथ लगा था, जिसके चलते वो यीशु के पीछे जाने के लिए वो सीधा इनकार कर दिया और पीछे मोड़ करके वो चला गया। बोला भी नहीं, प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ नहीं ना। जैसे यीशु मसीह ने उसे कहा, तुरंत उसका चेहरा में एक ऐसा दुख हुआ, वो तुरंत क्या कर दिया, यीशु मसीह को छोड़ करके वो क्या कर दिया, चले गया। कारण उसके अंदर धन का प्रति ज्यादा मन था, कि यीशु के साथ था, यीशु से प्रेम करने वाला था, डर भय मानने वाला था, आज्ञा को पालन करने वाला था, लेकिन उनके मन धन के ऊपर लगा। हाँ, धनवान पैसा वाले उन लोगों के पास, यीशु मसीह के पास जा बारे में बोलेंगे, उन लोगों को लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास सब कुछ पैसा है, सब चीज है, हमारा कोई चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए हमारा अंदर कुछ ऐसा बातें हैं उसको हमें छोड़ना है। सबसे पहले मैंने बताया, धन एक कारण है यीशु से अलग होने, एक मनुष्य परमेश्वर से दूर होने जाने के लिए क्या कारण है, एक मनुष्य परमेश्वर से दूर जाने के लिए क्या कारण है, सबसे पहले वो क्या है, धन है। बहुत सारी बातें हैं, तो मैं आज आप लोगों से बता रहे हैं कि सबसे पहला धन है। दूसरी बात हम देखते हैं, एक मनुष्य परमेश्वर से दूर जाने के लिए पैसा, धन दौलत दूसरा है, पैसा, पैसा वचन में पहला तिमोथी 6:10 पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 6:10 पढ़ते पढ़ेंगे, उपाय का क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का
जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिसका प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, बहुतों ने विश्वास में भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया, अपने आप को दुखों से छलनी बना लिया। यहाँ आप लोगों से यही बताते हैं, क्या आप यीशु मसीह के साथ है करके मेरे विषय था। और एक मनुष्य परमेश्वर से दूर जाने का क्या कारण, सबसे पहले धन, दूसरा पैसा। यीशु के साथ साथ 3.5 साल चलने वाले यहूदा सा, यीशु का साथ थे ना, थे कि नहीं, यीशु का साथ साथ चलने वाला, यीशु के साथ सेवा करने वाला, परमेश्वर ने उसके ऊपर भरोसा रखे, पैसा भी उसके हाथ में दे दिया था कि उस पैसा को वो लोगों को खर्चा करे, अपने साथ में रहने वालों को खर्चा करने के लिए उसी का हाथ में वो मुंशी के रूप में उसको रखा हुआ था। लेकिन उसका मन अभी कहाँ है, पैसा के ऊपर। उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को कितना पैसा के लिए बेच डाला, 30 सिक्का यानी चांदी का सिक्का के लिए यीशु मसीह को बेच डाला। जरूर ये चेला यीशु के साथ रहते हुए यीशु से अलग होकर के क्या कर दिया, जहां करके पैसा लेन देन का बात कर लिया, 30 सिक्का के लिए उन्होंने यीशु मसीह को बेच डाला। जरूर वो यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन पैसा हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने, बहुत लोग सोचता पैसा पैसा पैसा, कुछ भी चाहिए, कुछ कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग पैसा के पीछे कि अपने माँ बाप को भी कुछ समझते नहीं है, अपने पत्नी बाल बच्चों को समझते नहीं है, भाई को भी कुछ समझते नहीं है। एक कल एक मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मसीह का ये था, उसमें उसमें एक लड़का एक आदमी जेल में उसको क्या कर दिए, जेल में डाल दिए। तब उसे एक सेवक जाके मिलने के लिए गए, उन्होंने क्या बोला मालूम है कि मेरे ससुर बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन पैसा जो चीज है मेरे मन में आने के कारण मेरा अच्छा जो ससुर जी सोए हुए थे उसको जा करके मैंने क्या कर दिया, खून कर दिया। कारण पैसा। आज पैसा अपने माँ बाप को क्या करते हैं, बच्चे पैसा चाहिए। एक जवान लड़का को एक सिनेमा देखना था, सिनेमा देखने के लिए उसको जाना था, अपने पापा से जाकर पैसा मांग रहा, पैसा दीजिए सिनेमा के, सिनेमा जाना है और हमको पैसा चाहिए। पापा ने बोला अरे मेरे पास पैसा नहीं है। तुरंत क्या किया मालूम है, तुरंत अपना पापा का जो जो गालिये है नेक उसको खांट के खून चूस लिया, पिताजी वहीं पर मर गया। कैसा दुष्ट शैतान कि आज लोगों को पैसा के चलते अपना पिता को कुछ नहीं समझा और पिता को मार डाला। यहाँ यहूदास यीशु के साथ साथ चलने वाला था, यीशु के साथ था, लेकिन इनका जीवन क्या किया, पैसा के चलते परमेश्वर से दूर चले गया। क्या हम हमारा जीवन किसके कारण किसके लेकर के आज हम परमेश्वर के साथ है, जरूर हमारा प्रभु के साथ है, परमेश्वर का साथ साथ चलते हैं। कभी कभी ऐसा पैसा हमें क्या करता है, पैसा का जो लालच, पैसा का जो इच्छा, पैसा कमाना, पैसा 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 कमाते 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 परमेश्वर के लिए जो करना, परमेश्वर के लिए जो देना, वो सब हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अरे क्या करेंगे, पैसा रहेगा तो हम ये करेंगे, पैसा रहेगा तो वो करेंगे। कि बहुत लोग अभी तो क्रिसमस का समय आ रहा है ना, क्रिसमस का समय और ज्यादा दिन नहीं है, और बहुत नजदीक में क्रिसमस आ गया। बहुत मसीह लोग क्या सोचते हैं कि अभी पैंडेमिक समय के चलते बहुत लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, आधा तनख्वाह मिला, बहुत लोगों को नौकरी चले गया, लेकिन सोचते हैं क्या क्रिसमस मनाना, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, तुरंत क्या करते हैं, सूद में पैसा लेकर के उसको क्या करेंगे, सूद में लेकर के आपको पैसा इसे मनाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, पेंट करेंगे और पकवान बनाएंगे, खाना बनाएंगे, ये करेंगे, खिलाएंगे पाएंगे, फिर उसके बाद फिर कर्जा ला के 2-3 महीना के बाद घर के पास आके खड़ा हो जाए, उससे क्या परमेश्वर खुश रहेंगे। बहुत लोगों का विचार क्या है, यीशु को खुश कराना। बहुत लोग इस विशेष करके क्रिसमस का समय आने के कारण हम बता रहे हैं, बहुत लोग क्या सोचते हैं मसीह लोगों के लिए एक ही एक त्योहार है, बड़ा त्योहार है, समय क्या करेंगे, पैसा से खूब हम क्या करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये मैं करेंगे, उनसे भी ज्यादा बेस्ट हम करेंगे सोच करके। बहुत लोगों का विचार जो है वैसा हो जाता है, जिसके चलते पैसा कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा ले लेंगे सारा चीज खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो पैसा वापस देने के लिए बहुत हमें पलटी करना पड़ता, बहुत हमें मुश्किल करना होना पड़ता है। उस समय नहीं समझते, कर्जा करने के समय नहीं समझते। एक परिवार था, उन लोगों के पास उसका पति विदेश में काम कर रहे थे, जिसके कारण ही इसको जन्म बड़ा दिन मनाना है,
पति से बिना बोले 1,00,000 रुपया कर्जा ले लिए, कर्जा लेकर के उसका ये 10,000 रुपया सूद है दे दिए, फिर इस पैसा से सारा पैसा खर्चा पति को नहीं मालूम है, लेकिन खर्चा कपड़ा खरीद लिए, उनसे बेस्ट खरीदना है, उनसे अब बेस्ट करना है, वो करना ये करना करते करते आखिरी में जब पति को पता चला इन्होंने ऐसा काम किया, उस समय उन्होंने बोलती है नहीं क्या करें हमारा बड़ा दिन है ना, हम लोग को वो बड़ा दिन में करेंगे तब ना लोग हमें इज्जत देगा, परमेश्वर उससे नहीं खुश होते हैं। एक जन्मदिन किसी का जन्मदिन होता है तो हम क्या करते हैं उनकी जो पसंद है वही चीज बनाते हैं ना, जी मान लीजिए हमारा बच्चा का जन्मदिन है हम बच्चे से पूछेंगे कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या कपड़ा कैसे कपड़ा चाहिए। अब यीशु मसीह का जन्मदिन करके लोग मनाते हैं लेकिन यीशु मसीह को क्या पसंद है, उनको क्या इच्छा है वो नहीं समझे, इन लोगों को जैसा पसंद है उसी कपड़ा खरीदेंगे उसी चीज करेंगे, कहने के मतलब पैसा जो है आदमी को कंगाल कर देता, पैसा परमेश्वर से दूर कर देता है। एक मनुष्य परमेश्वर से दूर जाने के कारण जरूर यहूदा यीशु मसीह के साथ था लेकिन पैसा ने परमेश्वर से उसको दूर कर दिया। तीसरा नींद, तीसरा क्या है नींद और डर, नींद और डर, क्या है नींद और डर, हम लोग देखते हैं मत्ती 26:36 से हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह गेत्सेमने जाने से पहले 3 चेलों को लेकर के जाते हैं, कौन कौन है पतरस याकूब योहन्ना को, 3 जन को ले जाकर के प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर जाते हैं। जाने के समय यीशु मसीह उन लोगों से बोल के जाते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर बोल के जाने के बावजूद भी यहाँ हम देखते हैं पतरस याकूब यूहन्ना 3 जन सो जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार यीशु मसीह आकर के बहुत व्याकुल से आकर के बोलते अपने चेलों से बोलते हैं कि भाई आप लोग प्रार्थना करो, लेकिन उन लोगों के लिए नींद सबसे बड़ा उत्तम चीज था, नींद उन लोगों के लिए बहुत प्यारा था जिसके चलते वो सो गए। कई बार परमेश्वर हमें जगाता है, कई बार परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है, लेकिन प्रार्थना ऐसा चीज है परमेश्वर से दूर कर देता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 26:56 पढ़ेंगे, मत्ती 26:56 परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि परिपक्वता के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए, सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह ने इन सारे चीज होने वाला है, लोग डर जाएंगे, लोगों के जीवन में परीक्षा आएगा, जिसके चलते परमेश्वर कहते हैं जागते रहो प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। पहले ही परमेश्वर कह दिए, हमारा अंदर भी हम लोगों के जीवन में भी परीक्षा आ सकती है, हमारा जीवन में भी ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यहाँ प्रार्थना नहीं करने के कारण ये क्या हुआ, परीक्षा में पड़ गया, क्या हुआ चेले लोग सबको छोड़ के भाग गए। इसके अलावा हम देखते हैं पतरस 3 बार यीशु मसीह को क्या कहते हैं, इनकार करते हैं, लोग उसको बताता है, पढ़ेंगे एक उसी में 69 पढ़ेंगे, पतरस बाहर आकर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था, तू भी यीशु गलीली के साथ था। देखो यहाँ पर दूसरे लोग पहचान के बोलते तुम एक मसीह हो, तुम एक क्रिश्चियन हो, तुम यीशु के विश्वासी हो, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं सीधा अन्य जातियों के बीच में जाने के बाद हम अपने आप को छिपा देते हैं, हम अपने आप को क्या हो जाते हैं उनके समान हम बन जाते हैं, लेकिन हमारा रूप रंग हमारा सोच विचार हमारा चाल चलन हमें पकड़ा देता है कि नहीं तुम एक मसीह है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक औरत, एक साधारण औरत, वो कहती है वो दासी करके लिखा, सर्वेंट गर्ल करके लिखा, वो पतरस को देखते ही कहती है तुम तो यीशु मसीह के साथ था, हम देखे हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, 71 पढ़ेंगे, जब वो बाहर ड्योरी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। देखिए यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं,
तुम नासरी यीशु के साथ रहते हुए मैंने तुमको देखा, इधर भी क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं मालूम है। 73 पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो आप खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। क्या बोले ना, हमारा बोली, हमारा रहन सहन, हमारा जीवन पकड़ा लेता कि हम मत मसीह है। भले हम लोग दूसरे के समान क्या बोलते हैं, छुट्टियां बोलते हैं ना, वो नहीं बढ़ाते हम, बड़ा बड़ा बिंदी लगा के घूमते नहीं है ना, हम दाढ़ी बढ़ा के घूमते हैं जैसे ये लोग मौलाने लोग रखते हैं, चाहे माला पहन के घूमते नहीं है ना, चाहे हम लोग गेरुआ वस्त्र को पहन के जाते नहीं है, हम लोग साधारण है, हम साधारण जीवन। लेकिन हमें देखने वाले कहते हैं तुम्हारा बोली तुम्हारा ये जो क्या है, एक मसीह है, तुम यीशु मसीह का साथ था, तुम यीशु मसीह का चेला है। लेकिन ये सीधे इनकार करते, नहीं 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 इनकार है, इनके अंदर क्या है, एक डर है, कहीं अधिकारी लोग पकड़ के ले जाकर के इनको मार ना दे, कहीं ले जाकर क्रूस पे ना चढ़ा दे। देखिए यदि हमारा अंदर प्रार्थना का जीवन रहेगा, हम प्रार्थना करेंगे हम डरेंगे नहीं, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे हम डरेंगे नहीं, किसी से डर नहीं सकता है, कि भले लोग हमें देख करके डर सकता है। हम देखते हैं एक वचन पढ़ेंगे, पत्रस को मालूम हो गया वो धोखा खा दिया, जिसके चलते पहला पत्रस 5:8 में कहता है, सचेत रहो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ का है, क्योंकि लोग जागे नहीं था, ये सचेत नहीं था, वो सो गया था, जिसके चलते एक बार धोखा खा लिया। इसीलिए वो बताता है, कभी धोखा खाने वाला ही हमें सिखाता है कि नहीं, कोई किसी के साथ धोखा हो जाता है, क्या मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, उससे हम लोग बोलते हैं आयरन बॉक्स है, उसको छूना मत, वो नहीं छुए, नहीं नहीं उसको छूने का मन कर, एक बार छू देगा ना अपने आप क्या हो जाएगा, दोबारा वो छूने नहीं जाएगा। एक बार पत्रस धोखा खा लिया, प्रार्थना नहीं की है मैंने, मैं जागा नहीं है, मैं सवेरे उठ के प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर ने मुझे 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए कहा, मैं प्रार्थना नहीं करने का कारण मैं 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर दिया, जिसके अंदर कोई रियलाइज किया, जिसके कारण वो पहला पत्रस 5:8 में ऐसे लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है, हमारा विरोधी कौन है, हमारा माँ बाप नहीं है, हमारा भाई बहन नहीं है, हमारा पटीदार लोग नहीं है, हमारा अड़ोस पड़ोस लोग है, हमारा विरोधी कौन है, शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज से रहता है किसको फाड़ का है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम डरने वाला मैंने कब हम डर सकते हैं, मृत्यु के लिए कब डरेगा आदमी जो नहीं प्रार्थना करता है। यहाँ पर हम देखते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे अंदर अधिकारों के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने परमेश्वर हमें खड़ा कर सकता है। यशाया 60:3 पढ़ेंगे, यशाया 60:3। जाते जाते तेरे पास प्रकाश के लिए, जाते जाते तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरमन के प्रताप की ओर आएंगे, राजा तेरे आरमन के प्रताप के लिए तेरे पास आएंगे। देखिए कि हम प्रार्थना करने वाले रहेंगे तो राजा हमारा पास आएंगे, जाति जाति के लोग हमारा पास आएंगे। हमारा जीवन में हम बहुत सारे ऐसे बातें बोल सकती है, हम सब जानते हैं, हम ज्यादा पढ़े नहीं है, 12th 12th ही मैं पढ़ी थी, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए ले गया, तो मैं सोचती थी मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, तो क्या स्कूल में मुझे जब बिहार में गए थे स्कूल में मुझे डाल दिए थे, स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, तो मेरे मन में एक हमेशा एक इन्फीरियरिटी था कि मैं ज्यादा पढ़े नहीं, बाकी लोग बहुत कुछ पढ़े सीख गए हैं, बहुत ऐसा करके मैं सोचती थी। लेकिन लेकिन परमेश्वर अपना वचन को पूरा करता है, कैसा, वहां के बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े पद के लोग, डॉक्टर्स इंजीनियर्स, वे हमारा सामने आँख जोड़ करके हमारा सामने बात करते थे कि मैडम मेरे बच्चा ऐसा है, मैडम मेरा बच्चा ऐसा है, तब हम सोचते थे कि परमेश्वर देखो हम कहाँ है क्या है। लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हो, ना केवल वो है, बड़े बड़े अधिकारियों का सामने, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोगों का सामने प्रचार करने के लिए भी परमेश्वर हमको मौका दिया, कारण परमेश्वर का वचन पूरा होगा। जो परमेश्वर से डर भय मानते, जो प्रार्थना करने वाले उनको सामने परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करेगा। उसी में 63:2 में पढ़ेंगे, उसी अध्याय
उसी किताब में 63 का 2 वचन में पढ़ेंगे, तेरा पहरावा क्यों लाल है। 63:2 तेरा पहरावा क्यों लाल है, क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है। यशायाह 63 पढ़ो। तेरा पहरावा क्यों लाल है, क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है। 62:3 पढ़ना। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट है। 62:2 पढ़ना। तब जाते जाते के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। जाति जाति के लोग तेरे धर्म और राजा तेरे महिमा को देखेंगे। और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, जो यहोवा के मुख से निकलेगा। देखिए परमेश्वर हमारा बारे में क्या बोलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि राजा का मुंह में, देखिए राजा हमारा महिमा को देखे, राजा का महिमा देखने के लिए सैकड़ों लोग जाएगा, लेकिन हम प्रार्थना करने कैसा, वो कैसे हो सकता है, जरूर हुआ है, बाइबल में वो साबित है। दानियल 2 अध्याय का 46 पढ़ेंगे, दानियल का 2:46-46, दानियल दूसरा अध्याय 46 वचन पढ़ेंगे। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिर कर दानियल को दंडवत किया। दानियल को क्या किया, दंडवत किया। राजा देखिए उसको भेंट चढ़ाओ, उसको भेंट चढ़ा। देखिए इतना महान परमेश्वर है कि हमारा परमेश्वर कि क्या करता है कि राजा को सामने हमें झुकने नहीं देता। हम प्रार्थना करने वाले रहेंगे, राजा हमारा सामने झुकता है। नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, स्वप्न का अर्थ किसी ने नहीं बताया, दानियल ने उस स्वप्न को बताया। कैसे बताया, ऐसे बता दिया, वो प्रार्थना करने वाला था। क्या है वो प्रार्थना करने वाला था, जिसके चलते प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर उसको अगुवाई। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा हमारे सामने आ सकती है, कोई कोई किसी के सामने खड़े होने के लिए होगा, लेकिन हमें डरने के नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें भेद बातों को सिखाएगा। यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने जब उसका अर्थ बताने के कारण मुंह के बल गिरा और दानियल को दंडवत किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले रहेंगे कि हमारा सामने परमेश्वर क्या करेगा, कैसे भी लोग है वो हमारा सामने झुकेगा। पत्रस योहन्ना याकूब घर के भागने का कारण वे सोचने लगे कहीं हमें अधिकारी लोग पकड़ के ले जाकर के हमें क्रूस पर ना चला दे, कहीं हमारे भी कुछ पनिशमेंट मिलेगा, सोच के भागा था। लेकिन आप लोग सोचते होंगे यीशु मसीह भी तो प्रार्थना करने वाले थे, उनको पकड़ के क्यों, वो परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर का इच्छा था। यहाँ पर देखते हैं हम लोगों के साथ परमेश्वर इतना दया अनुग्रह किया है कि हम प्रार्थना करने वाले रहेंगे कि कितना बड़ा बड़ा राजा भी हो सकता है, कितने बड़े बड़े अधिकारी हो सकता है, हमको देख करके लोग डरेगा। नबूकदनेस्सर ने दानियल के सामने मुंह का बल गिरा, वैसे ही शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भी हुआ। वे प्रार्थना करने वाले थे, उस समय आग में फेंक दिए। आग में फेंकने के बाद राजा ने कहा मुझे छोड़ के किसी को दंडवत नहीं करना। राजा एक बार आज्ञा दे दिया, वो उस पे साइन किया जाएगा, कोई उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने दंडवत नहीं किया, इन लोगों को आग में उठाकर फेंक दिए। आग में 3 दिन को डाले, 4 करके घूम रहा था। तब राजा कहता है अरे हम लोगों तो 3 दिन को डाला, अभी कितना लगा है, 4 दिन घूम रहा है। उस समय राजा फिर आज्ञा देता, 3:28-29 में पढ़ के देखिएगा, उसी दानियल 3:28-29 में राजा ऐसा आज्ञा का ऐसा कहता है, उनका परमेश्वर ही परमेश्वर है, उनको ही दंडवत करना है। हालेलुया। लेकिन कितना महान परमेश्वर, प्रार्थना उतना बड़े प्रार्थना नहीं करने के कारण पत्रस गिर गया, पत्रस 3 बार इनकार कर दिया, चेले लोग भाग गए। इसीलिए कभी भी हम प्रार्थना के लिए हम डरना नहीं है, हमेशा हमें प्रार्थना हो सकता है। हम आपसे बोले लोग परमेश्वर से दूर भागने का कारण वे धन एक कारण है, पैसा एक कारण है, नींद एक कारण है और डर एक कारण है, और बहुत सारे बातें हैं
आप लोग अपने समझ लीजिएगा क्यों हम परमेश्वर से भागते हैं। परमेश्वर के साथ रहते हुए हमारा मन दूर रहता है। हम जरूर परमेश्वर के साथ नहीं रहने के कारण कि हमारा अंदर कुछ कुछ ऐसे बातें हैं कि वो परमेश्वर से दूर जाने का एक ऐसा कारण हो जाता है। तब हम परमेश्वर के साथ यीशु के साथ रहने वाला का जीवन कैसा होना चाहिए, यीशु के साथ रहने वाला का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको दृढ़ रहना चाहिए। हालेलुया, वे दृढ़ रहना चाहिए। बहुत लोग दृढ़ नहीं, ही शुड स्टैंड स्टेडफास्ट इन गॉड। वो नहीं होने के कारण वो कभी कभी ढगमगा जाते हैं। हमें एकदम दृढ़ रहना। पढ़ेंगे एक वचन, यशाया 26 का 3 पढ़ेंगे। यशाया 26 का 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसकी तो पूर्ण शांति का रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वो तुझ पर भरोसा रखता है। तमिल में ऐसा लिखा है, तो धीरज धरे हुए है करके जो लिखा है उसमें दृढ़ है, उर्दि तमिल में उर्दि, इंग्लिश में स्टेडफास्ट करके लिखा है। वो दृढ़, धीरज के दूसरा शब्द दे दिया हम लोग, उसमें ऐड करेंगे दृढ़। जिसका मन परमेश्वर के साथ दृढ़ रहता है, उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा है। किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। जो मनुष्य अब परमेश्वर के साथ दृढ़ के साथ, परीक्षा आएंगी, समस्या आएंगी, दुख आएंगी, बीमारी आ सकती है, खंगालपन आ सकती है, हमारा बारे में बहुत प्रकार की बातें हमारे विरोध में बोल सकते हैं, कि फिर भी हमें दृढ़ रहना चाहिए। हालेलुया, चाहे आंधी आवे, तूफान आवे, जैसा उस पहाड़ के ऊपर वो घर जो बना था एकदम स्ट्रांग था, जो घर बालू के ऊपर बना वो घर क्या हो गया, बह गया पानी आने से। लेकिन जो घर उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिसका घर बनेगा उसका घर मजबूत रहता। हमारा घर, हमारा मन किसके ऊपर लगाना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह रूपी जो चट्टान है उसके ऊपर हमारा दृढ़ भरोसा होना चाहिए। तब क्या होगा कि हम डगमगाएंगे नहीं। कुछ भी आएगा, कुछ भी समस्या आएगा, कल क्या होगा, कल कैसे रहेगा, हमारा घर घर का क्या होगा, हमारा पढ़ाई का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या समस्या क्या होगा, कभी कभी हम डगमगा जाते हैं। हमारे बाल बच्चों को लेकर के हम डगमगा जाते हैं। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे बातें हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जिसका मन परमेश्वर के ऊपर दृढ़ हुआ है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करने वाला। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो यीशु के साथ रहने वाला का जीवन कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? किन किन बातों में उनको दृढ़ होना चाहिए हम सुनेंगे। चार बात आप लोगों को बताए किन किन बातों में हमें दृढ़ होना चाहिए। इसमें हम दृढ़ रह जाएंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम डगमगाएंगे नहीं, हम परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे। सबसे पहले क्या है? विश्वास। उसे विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। सबसे पहले हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। हम पढ़ेंगे रोमियो 4 अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय 19 और 20 को पढ़ेंगे। वह जो एक वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारे गर्भ के मरे हुए की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की करके दूसरा ट्रांसलेशन में, ठीक है, विश्वास में विश्वास में निर्बल। वहां पर देखते हैं सारा के बारे में, जरो उसका कोक मर गया था, खत्म हो गया था, अभी उसमें बच्चा होने वाला का कोई उम्मीद नहीं है। 45-50 के बाद तो सोच भी नहीं सकते हैं। अभी करीब करीब 100 पहुंचने वाला है इब्राहिम, और ये 90 बरस की हो रही है। लेकिन इनका जीवन में परमेश्वर कहता है बच्चा हो, सोचिएगा थोड़ा सा सोचना के बाद। विश्वास इतना मजबूत है, यहाँ पर यहाँ लिखा है विश्वास में निर्बल ना हुआ। कौन विश्वास में निर्बल कौन नहीं हुआ? इब्राहिम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किए।
परमेश्वर की महिमा की है। हमारा जीवन में ऐसे बातें आंधी तूफान जैसे मैंने बताया आ सकती है, ये नहीं होगा, ये काम नहीं हो सकता है, ये जो हमारे लिए मिलने वाला चीज हो सकता है, हमारा कोई भी बातें हो सकती है वो मिलने वाला नहीं है करके ऐसा पूरा एकदम ये हो गया होगा। लेकिन हम परमेश्वर को पर विश्वास करके हम प्रार्थना करेंगे। जरूर आजकल का जो बातें वातावरण और इसके अलावा राजनीति की बातें हमारा विश्वास को जरूर डगमगाने का कमजोर करने के बातें हो सकती है, लेकिन हम परमेश्वर को पर विश्वास करेंगे। मरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर जिला सकता है, मरा हुआ को गर्भ को परमेश्वर जीवन दे सकता है। तो परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करना है तो हम विश्वास करना है। विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर देखते हैं विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, हम विश्वास में दृढ़ रहना है। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 3:14 पढ़ेंगे, 3:14। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहे। हम मसीह के भागी रहेंगे, ठीक है, हम अंत तक हमारा विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो क्या होगा, यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ रहता है वो स्थिर रहेगा। बहुत लोग इधर उधर हो जाते हैं, वो लोग इधर उधर होने के कारण उनके अंदर विश्वास कमजोर हो जाता है। कभी ओझा के पास भाग जाएंगे, कभी किसी के पास जाएंगे, कभी मनुष्य राय लेंगे, कभी किसी के पास जा करके ये करने लगते हैं। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा नींव वो मजबूत रहेगा, हमें कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए हमारा विश्वास में हमें क्या होना है, दृढ़ रहना है। दूसरा हम देखते हैं प्रार्थना में दृढ़ रहना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले विश्वास में हमें दृढ़ रहना चाहिए, मैंने बताया। दूसरा कि प्रार्थना में दृढ़ रहना है। हालेलुया। जैसे मैंने दानिय्येल के बारे में बताया, उनके जीवन में क्या हुआ, प्रार्थना नहीं करना करके उनको भागा हुआ था ना, प्रार्थना नहीं करना है, 3 बेरा वो प्रार्थना करने वाला था राजा को छोड़ करके। और देखिए उनके जीवन में कितना परीक्षा आया, फिर भी अंत तक वो एकदम स्ट्रांग होते गया ना। दानियल को एकदम ऐसा परीक्षा आ गया, प्रार्थना नहीं करना, फिर भी वो प्रार्थना किया। प्रार्थना करने का जो रिजल्ट क्या हुआ, सिंह का गुफा में डाल दिए हैं, लेकिन सिंह ने उसको खाया नहीं ना। कि हमारा अंदर प्रार्थना हो सकता है, कमी हो जाता है, उसको महसूस करना चाहिए। हम प्रार्थना कम हो जाता है होने के कारण कभी कभी हमारा जीवन में ऐसे बातें आ सकती है। इसीलिए कैसे दृढ़ होना पड़ेंगे, रोमियो 12:12 पढ़ेंगे, रोमियो 12:12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हमारा विश्वास में दृढ़, प्रार्थना में दृढ़ रहना है। इसीलिए वचन में लिखा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कुछ भी आएगा, कुछ भी समस्या आएगा, लगेगा कि अभी नहीं होगा, खत्म है, फिर भी हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहना, दृढ़ रहना है। तीसरा, शब्दों में दृढ़ रहना चाहिए। इन बातों में, शब्दों में, इन वर्ड्स वी शुड बी स्टेडफास्ट। हमारा जो बोली में हमें स्टेडफास्ट होना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। इधर उधर की बात कभी बोलेंगे, आप प्रभु आपका सेवा करेंगे, फिर कभी बोलेंगे ना 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 मुझे वो करना है, कभी बोलेंगे मैं वो करेंगे, कभी ये करेंगे। हमें हमारा बोली में कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए, जो बोलेंगे उसको करना। कई बार लोग क्या बोलेंगे, हाँ फलाना जगह में हम जाएंगे, फिर उसके बाद बुजुर्ग के जाने के बाद वहां जा नहीं जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। बोली में बदलते रहता, बहुत लोगों का जीवन क्या होता है, अपना शब्द में बदलाव रहता है, बदलाव करते रहते हैं। वैसा मैंने हमारा बोली में एकदम स्ट्रांग रहना है। हालेलुया। हम एक परमेश्वर के साथ चलने वालों को कैसे रहना चाहिए, उनका शब्द एकदम स्ट्रांग होना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर से पीछे चले जाएगा। इसे उस वचन पढ़ेंगे कि भजन संहिता 106:12 वचन पढ़ेंगे, तब उन्होंने
उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। यहाँ पर देखते हैं मूसा का समय में कि परमेश्वर के लोग मूसा का साथ साथ चलते थे। मूसा जब भी कुछ बोलते थे वो परमेश्वर काम करते थे, तुरंत बोलो क्या करेगा लोग, बस वचनों में वो लोग स्थिर हो जाते थे, एकदम दृढ़ होकर के वे लोग विश्वास के साथ एकदम वचनों को बोलते थे। तुरंत क्या हो जाता था, कुछ भी समस्या हो जाएगा तुरंत पलट के प्रभु के विरोध में बोलने लगते थे, मूसा के विरोध में। पढ़ेंगे 12। तब उन्होंने वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे जब तक उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे, उन्होंने जंगल में अति लालसा के और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। देखिए यहाँ पर देखिए लोग कुछ अच्छा काम, हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ अच्छा काम हमारा जीवन में होता है तो बाप रे इतना स्तुति करेंगे, इतना आराधना करेंगे, सब जगह में जाके बोलेंगे प्रभु ने ऐसे किया वैसे किया। जब हमारा जीवन में कुछ ऐसे बातें नेगेटिव बात होने लगती है, हम पहले क्या करें, खूब स्तुति करेंगे, खूब सब किसी से आनंद खुशी के साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसा हमारे जीवन कुछ ऐसा बातें घटने लगती है, तुरंत कुड़कुड़ाने लगे, उनके विरोध में बोलने लगे, मूसा के विरोध में बोल देंगे, परमेश्वर के विरोध में बोलेंगे, प्रभु ऐसा था, हम मिस्र देश में थे तो हम लोग ऐसे थे वैसे थे, इधर आने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता। तुरंत बात को पलटते थे, तुरंत बात को पलटते थे कि हमें वैसे नहीं होना चाहिए, हमारा बोली में दृढ़ रहना चाहिए, कभी इधर एक बात कभी उधर जाकर के उधर दूसरा बात नहीं बोलना चाहिए, हमारा बोली में हमारा शब्दों में एकदम दृढ़ रहना चाहिए। एक और वचन पर एक और बात, चौथा बात क्या है कि हमें हमारा बुलाहट में दृढ़ रहना चाहिए। बहुत लोग क्या हो जाते हैं, बुलाहट परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते हैं, परमेश्वर किसी किसी को पूरा पूरा सेवकाई करने के लिए परमेश्वर करते हैं, किसी किसी को परमेश्वर करते हैं कहते हैं कि काम करते हुए सेवकाई करने के लिए, किसी किसी को परमेश्वर माने कई प्रकार की बातें होती है, अपना स्कूल्स में कॉलेजेस में नौकरी के जगह में आप लोग परमेश्वर को काम कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, डगमगा जाते हैं, सेवकाई के नाम से सुनते ही हाँ सेवा करेंगे, वहां कुछ परीक्षा आएंगी तुरंत छोड़ छाड़ कर क्या करेंगे, सेवकाई छोड़ करके बस चली जाएंगे जो पुराना, जैसे हम लोग पत्रस के जीवन में देखे कि वे क्या किया, उनका कॉलिंग में वो स्ट्रांग नहीं था, परमेश्वर उनको सबसे पहले देखा तो परमेश्वर ने कहा तुम मछलियों को पकड़ने वाला नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएंगे। जब यीशु मसीह मर गए तब वो दफना दिए तो क्या किया, वो फिर अपना जाल लेकर के आए, चलो भाई सबको ना केवल हो गया और कुछ लोग लेकर के फिर मछली पकड़ने गया। क्या सोच रहा है, थोड़ा सा उनका क्या हो गया, अभी उनका कॉलिंग में उनका बुलाहट में दृढ़ नहीं रहा, वो थोड़ा सा डर। लेकिन हमें विश्वासी लोग, हम जो परमेश्वर का पीछा करने वाले, हम परमेश्वर का साथ चलने वाले, हमारा जो बुलाहट है उसमें स्थिर दृढ़ रहना चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1:10। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भले भांति यत्न करते जाओ। ए भाइयों क्या करना है, इस कारण ए भाइयों अपने बुलाए जाने, परमेश्वर ने जो बुलाया विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमें सोचना नहीं है परमेश्वर सेवकाई में बुला रहे, परमेश्वर मुझे सेवकाई करने के लिए बुला रहे, इसका मतलब क्या होगा क्या नहीं। देखिए जब मैं आप सब जानते हैं मेरा गवाही, 17 साल में परमेश्वर मुझे सेवकाई में बुलाया, मैं उस समय 12th पढ़ रही थी, मैंने सोचा कि क्या होगा, मैं पढ़ना छोड़ देंगे तो मेरी इज्जत क्या रहेगा, मेरे मन में देखिए मेरा पढ़ना छोड़ देंगे मेरी इज्जत क्या रहेगा, मेरा क्या होगा, ऐसा करके मेरे बहुत बड़ा समस्या था। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट रूप से मुझे सेवकाई में बुलाए, मैं तुरंत परमेश्वर का आज्ञाओं को मान करके मेरे पढ़ाई को डिस्कंटिन्यू करके मैं सेवकाई के लिए चले गए। फिर उसके बाद 19 साल के थे तो मैं मिशनरी के रूप में बिहार में गए। कई बार हमारा जीवन में ऐसा समस्या आया था जिसके चलते कभी कभी मैं सोचती थी जा सेवकाई नहीं करेंगे, वापस बैंगलोर चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे या कुछ ऐसे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे कुछ काम करेंगे। कई बार ऐसा हमारा जब समस्या आती है कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वाले उसका बुलाया जो बुलाए बुलाहट में उसको दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ रहने के कारण
करीब करीब 24-24.5 साल यानी 25 साल तक बिहार में सेवकाएं करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। कई बातें, कई चीजें लोगों के चलते, कई कई ऐसे बातों को लेकर के कभी कभी हमारा जीवन में भी सोचना पड़ा, क्या ये बुलाहट सही है, क्या ये क्या होता है, सबके साथ होता है। लेकिन जो उसमें दृढ़ रहता है, परमेश्वर उनके साथ रह करके उनकी सहायता करता है। जरूर परमेश्वर बहुत बातें आने के बावजूद भी दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आज तक ले करीब करीब 28-30 साल तक सेवकाई करने के लिए परमेश्वर को हमें सहायता किया। हालेलुया। जब 19 साल के थे उस समय मैंने अपना शुरू सेवकाई को पूरा पूरा अर्पण करके शुरू किया। आज मैं 46 इयर्स हो रही हूँ। आज तक ले दृढ़ होकर के सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इस कारण ए भाइयों, आपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने में सिद्ध करने का बलि बांधती यतन करते रहो। उसमें हमें क्या करना है, दृढ़ रहना है। किन किन बातों में हमें दृढ़ रहना चाहिए? सबसे पहले विश्वास में हमें दृढ़ रहना चाहिए, दूसरा प्रार्थना में हमें दृढ़ रहना चाहिए, तीसरा शब्दों में हमें दृढ़ रहना चाहिए, चौथा हमारा बुलाहट में दृढ़ रहना चाहिए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ है या परमेश्वर से दूर चले गए? परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहने वाले वो दृढ़ रहना है, तब हम हमेशा हमेशा उनके साथ साथ चलेंगे, उनके साथ साथ रहेंगे। क्योंकि बातें आएंगी, बहुत सारे बातें आ सकती है हमारे जीवन में, वो हमें दृढ़ रह जाएंगे तो हमें कोई भी बातें हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है। विश्वास में हमें दृढ़ रहना चाहिए। प्रार्थना ही सब बहुत बड़ा बातें है, प्रार्थना ही सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम अपने जीवन में देख लिए कि हम जिद होकर के कोई कोई बातों को दृढ़ होकर के प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का जो जवाब ज्यादा देर नहीं लगता है, तुरंत परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसीलिए हम सब को अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जरूर, हम जैसे मैंने बताया कि चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ ही थे, लेकिन पैसा का चलते यूदास जो है यीशु मसीह से दूर चला गया, मर भी गया। पतरस एक नींद उनको कारण था, एक डर कारण था। यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया और 6 लोग यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। क्या आज हम जरूर यीशु मसीह के साथ हैं? लेकिन हमें जरूर हमारा अंदर भी कुछ कुछ कमजोर बात है, लेकिन परमेश्वर से आज कहेंगे, प्रभु हमारा विश्वास को दृढ़ कीजिए, प्रभु हमारा प्रार्थना को दृढ़ कीजिए, हमारा शब्दों में हम दृढ़ रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए, और तेरी बुलाहट में हमें दृढ़ रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए करके आइए हम सब को परमेश्वर के सामने अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के साथ हम सब को अपने अपने जीवन को प्रभु का सामने अर्पण करेंगे, प्रभु हमें सहायता कर करके।